ओम नारायण हरि। आज हम देखते हैं कि आने वाले 15 दिन हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं। अगस्त के 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आता है एंजल्स की तरफ से। सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो कार्ड है वो क्या बता रहा है वो देखते हैं। पहला कार्ड ही हमें ये बता रहा है कि जो ये आने वाले 15 दिन है, 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का, इस दौरान आप उन गलतियों को मत दोहराएं जो आपने अभी रिसेंटली बहुत समय नहीं हुआ है, अभी जो गलतियां की है उनको मत दोहराइएगा, क्योंकि उन गलतियों को भुगतान आप करें। ये देखिए ना, लॉनलीनेस और क्या तो आपको अंधेरा और डर, फियर, वरीज, ये जो आपने अपने ही गलत फैसलों की वजह से हुआ है, इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, आपने स्वयं अपने गले में मुसीबत डाली है। अब आने वाले 15 दिनों में आप बहुत संभल के और बहुत समझदार हो करके, समझदारी के साथ चलिएगा और लोगों की कूटनीति को भी समझिएगा, लोगों की राजनीति को भी समझिएगा, क्योंकि देखिए जहाँ भी 4 लोग होंगे वहाँ पॉलिटिक्स होगी ही होगी। आप उस माहौल से बच नहीं सकते हैं, आप उस माहौल से निकल भी नहीं सकते हैं, बस अपने आप को थोड़ा सा बचा सकते हैं। और बचाने का भी एक ही तरीका है कि उनके रंग में नहीं रंगना है, अपनी समझदारी के रंग में रंगना है और किसी तरह की किसी डिस्कशन में किसी उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। एक मौन धार लीजिए, कम से कम 15 दिन तो मौन धार लीजिए, फिर देखते हैं आगे जो होगा। 15 दिन आप मौन धारें, थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ चलें, सबके साथ बहुत हम्बल होकर के बहुत पोलाइटली बात करें, अपना ईगो और अपना वो सब ताक पे रखें, क्योंकि आपकी ईगो ने ही आपको अब तक इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसाया है। और अगर अब आप अपना ईगो छोड़ेंगे तभी आप तरक्की भी कर पाएंगे, तभी आप आगे भी बढ़ पाएंगे, आपको आगे का रास्ता भी तभी मिलेगा। और आपको बहुत ज़रूरी मैसेज जो आया है, बहुत ज़रूरी, नितांत आपको अपने लिए कुछ नए रास्ते खोजने होंगे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के। अब तक जिस ढंग से आप लोगों के साथ व्यवहार करते आए हैं, अपनी बोलवाणी जैसी आपने रखी है वो नहीं चलेगी। अब आप नए वेज ढूंढिए अपने साथियों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आप पुराने ढरे के साथ ही कम्युनिकेट करेंगे तो राम हिमाली के पुत्र तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और पिछले दिनों आपने ये सब झेला है और अभी भी झेल रहे हैं, क्योंकि मन से अभी भी आप दुखी हैं, मन से प्रसन्न नहीं है, लेकिन अपना एटीट्यूड नहीं बदल रहे हैं, अपनी बोलबाणी नहीं बदल रहे हैं,
अपना वे ऑफ कम्युनिकेटिंग नहीं बदल रहे हैं, वे ऑफ जो आपका कम्युनिकेट करने का एक सलीका है, तरीका है, वो गलत है, नितांत गलत है। यही एक आज मैसेज निकल कर आया है आपके लिए आने वाले 15 दिन के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज उन लोगों के लिए जो कर्कश बोलते हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी ईगो दिखाते हैं, उन लोगों के लिए जो किसी को कुछ समझते नहीं हैं, उन लोगों के लिए जो एक अपने एटीट्यूड में चलते हैं और दुनिया को समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है, वही एक बड़े महान और समझदार पैदा हुए हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, संभल जाइए। आगे क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? मिलता जुलता ही मैसेज है, जो भी आप काम करें वो थॉटफुलनेस के साथ करें, कहीं बेवकूफ़ी ना करें, हर काम को सोच विचार के करें, कुछ भी बोलने से पहले सोचें फिर बोलें, मतलब पहले तोलें फिर बोलें, और जो भी आप पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके ऊपर कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक अच्छे ढंग से निभाने का प्रयास करें। आपकी बोलबाणी ख़राब है, आप लोगों से कम्युनिकेट गलत ढंग से करते हैं, मन से ख़राब नहीं है, मन से सही है। और आजकल एकदम से अगर आप न्यूड ट्रुथ बोल देंगे, नंगा सच बता देंगे किसी को, तो वो तो निश्चित रूप से आपका दुश्मन हो जाएगा ना, यही कमी है। सच भी उस ढंग से बोलिए कि सच कह भी दे और दूसरे को बुरा भी ना लगे, आपको इस तरह की शैली अपनानी होगी। अपनी जो आपकी इनोसेंस है अंदर, उसको मत खोइएगा, बस थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में नरमियत लाएं, व्यवहार में नरमियत लाएं, बोलबाणी में नरमियत लाएं, कम्युनिकेट सॉफ्टली करिए, पोलाइटली करिए, डिप्लोमेटिकली करिए। ये अगर आप सब अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक पाएगा। आपको इस दौरान कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं और आप अपने आप को अकेला भी पा सकते हैं, लेकिन अगर जब भी आप अपने आप को अकेला पाएं तो आप अपने पेरेंट्स का साथ कीजिएगा, और वो भी पेरेंट्स में भी मदर का साथ कीजिएगा, क्योंकि जो बात आप अपनी मदर को कह सकते हैं वो आप दूसरे से नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी माँ का साथ मत छोड़िएगा। इसी तरह का कार्ड में आ रहा है, क्योंकि आपकी माँ का आशीर्वाद ही आपको इन सिचुएशन से बचा सकता है। मदरली ब्लेसिंग्स, माँ का साथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि वही आपका एक कवच भी साबित हो सकती है। और जो भी फाइनेंशियली लॉसेस वगैरह आपको पिछले दिनों हुए हैं, उसकी वजह से आप अपने आपको अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पावर्टी हो गई है, पैसे की कमी हो गई है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि पैसे का तो नुकसान बहुत बड़ा मत मानिए, पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन फिजिकली अगर आपके ऊपर अटैक हो जाता है वो फिर आपको ऐसे डिप्रेशन में डाल देगा जिस डिप्रेशन से सालों साल आप बाहर नहीं आ पाएंगे। आपका जो आज कॉन्फिडेंस है वो हमेशा के लिए ख़त्म, इसलिए बी अवेयर। मैं फिर आपको चेतावनी देते हुए कह रही हूँ कि अपने व्यवहार को बदलिए, अपने व्यवहार को बदलिए, अपनी बोलबाणी को बदलिए, इसके आगे आपके जो भी लड़ाई झगड़े कोर्ट में चल रहे हैं उनको, उन कन्फ्लिक्ट्स की भी थोड़ी टेंशन बढ़ने वाली है इन दिनों, संभल के अपने एडवोकेट से कहिए कि इस दौरान कोई डिबेट, कोई बहस वगैरह ना करे, आगे की तारीख लेने, यही एक रास्ता है बचने का इस वक्त। नेक्स्ट डेट ले लें, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और
कोई ऐसे व्यक्ति मिलने वाले हैं जो स्ट्रॉन्ग भी होंगे, क्लेवर भी होंगे और फास्ट थिंकिंग वाले भी होंगे, उनका दिमाग बहुत तेज चलता होगा और बहादुर भी हैं, प्लस एक्शन ओरिएंटेड है, प्लस एक्शन ओरिएंटेड है। आपको वो संभालेंगे, समझाएंगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो भी आपको बताया जाएगा। और यही एक तरीका है आपको इस सिचुएशन से बाहर लाने का। आप जो इस समय डिसअपॉइंट, आपको जो डिसअपॉइंटमेंट मिला है उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने पीछे लिए गए कुछ फैसलों को वापस लीजिए। आपने जो रिसेंटली एक दो महीने में जो डिसीजंस लिए हैं उन डिसीजंस को आप विड्रॉ करें, तभी आपके हालात बदल सकते हैं। अपनी बोलबाणी को सही करिए, बदल सकते हैं, किसी समझदार व्यक्ति की राय के ऊपर काम करिए तो बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे 3-4 उपाय हैं, उनको करिए तो आपके हालात बदल जाएंगे। और मदर का साथ कीजिए, उनके ब्लेसिंग्स में रहिए, बहुत फायदा होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो इस समय हार्ड वर्क भी करिए, ज़्यादा इधर उधर की मत सोचिए, हार्ड वर्क करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए और कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। और सस्टेनेबल रिजल्ट्स का ही माइंड में रखें। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं और जो भी आपने इमेजिनेशन कर रखा है अपने माइंड में अपने फ्यूचर, उस दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे। और आपके साथ जो अभी आप डायरेक्शनलेस चल रहे थे, ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं वो आपको एक डायरेक्शन देंगी, डायरेक्शन आपको वो देंगी। आप थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, ज़्यादा एडवेंचरर ना हो, एडवेंचर की तरफ मत जाएं, अपनी एनर्जी को जो है ना पेशेंस के साथ रोक के रखें। ज़्यादा उछल कूद मत करिएगा इन दिनों, प्लीज़ अपने आप को पेशेंस में रखिएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ और आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। नहीं तो इंसान कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं समझ जाता, मैं आपको पहले बता रही हूँ, समझ जाइए। अपनी सारी एनर्जीज को बैलेंस करिए, ये समय ऐसा चल रहा है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपको आगे के रास्ते भी मिलेंगे और जिस आप डिप्रेशन में या उसमें हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। प्रभु का आशीर्वाद लें, उनके चरणों में रहें, अपनी मदर के उसमें रहें, माँ के आंचल में रहें, अगर मैं ये कहूँ तो आपको बेनिफिट होगा। ये मैंने आने वाले 15 दिन आपके बताए हैं, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, तो जितना आपके साथ ये रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा और संभल के रहिएगा। फिर मैं कह रही हूँ संभल के रहिएगा। हरिओम नारायण।